नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म छपरा से बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। बड़ी ब्रेकिंग खबर क्या है हम अपने दर्शकों को बताते हैं। छपरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जेडीयू कार्यालय ने कंफर्म किया है कि कल राजीव प्रताप रूड़ी का नामांकन होगा। राजीव प्रताप रूड़ी के नामांकन में बड़ी बात होगी। राजीव प्रताप रूड़ी के नामांकन में लालू प्रसाद के संबंधी जो यहाँ से पिछले बार लोकसभा राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, राजीव प्रताप रूड़ी की नामांकन में उनकी मौजूदगी रहेगी। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव पूरे दमखम से अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण का चुनाव लड़ा रहे हैं। आपको हम इससे पहले ले चलते हैं। छपरा का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव ने भी किया है, राबड़ी देवी ने किया है, दोनों को राजीव प्रताप रूड़ी ने चुनाव हराया है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है बड़ा देखने वाली बात होगी। लालू प्रसाद यादव पूरे दमखम के साथ पूरा परिवार की मौजूदगी में अपनी बेटी रोहिणी को लेकर छपरा समाहरणालय पहुंचे थे, नामांकन करवाया था। वीआईपी प्रमुख, कांग्रेस के बड़े नेता सभी लोग वहाँ मौजूद रहे। लेकिन राजीव प्रताप रूड़ी की मुलाकात चंद्रिका राय से होती है। चंद्रिका राय जनता दल यूनाइटेड में काम कर रहे हैं। चंद्रिका राय से उनके बात होने के बाद कंफर्म होता है कि चंद्रिका राय राजीव प्रताप रूड़ी के समर्थन में छपरा पहुंचेंगे। कल नामांकन में उनकी मौजूदगी होगी। बड़ा दिलचस्प हो गया अब छपरा का लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। यहाँ से सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा था, राजीव प्रताप रूड़ी थे, रोहिणी आचार्य थी। लेकिन बिहार के अगर दो चार सीटों की बात हम करें, जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट रहा है पूर्णिया में पप्पू यादव, सीवान से हीना साहब, पाटलिपुत्रा से डॉक्टर मीसा भारती। लेकिन अब पाटलिपुत्रा के बाद सारण का जो लोकसभा सीट है, जहां से कभी लालू प्रसाद यादव इसका प्रतिनिधित्व किया करते थे, लालू प्रसाद के संबंधी चंद्रिका राय ने भी यहां से चुनाव लड़ा था, उनको हार खानी पड़ी थी। थोड़े मंत्र से राजीव प्रसाद रूड़ी ने उनको हरा दिया था। लेकिन कल चंद्रिका राय की मौजूदगी में राजीव प्रताप रूड़ी का नामांकन होगा। बड़ा दिलचस्प होगा कि छपरा में जो यादव वोटर हैं आखिर चंद्रिका राय के कहने पर राजीव प्रताप रूड़ी को वोट करते हैं, राजीव प्रताप रूड़ी की नैया पार होती है। तो कल देखने के लिए बड़ा दिलचस्प होगा, मीडिया का बड़ा जमावड़ा होगा। चंद्रिका राय की मौजूदगी होगी राजीव प्रताप रूड़ी के नामांकन में। अब छपरा के यादव आखिर किसके साथ जाते हैं, लालू की नैया पार कराते हैं या चंद्रिका राय के फील्डिंग से मजबूत होकर राजीव प्रताप रूड़ी निखरते हैं और 2024 की बाजी राजीव प्रताप रूड़ी के हाथ लगती है। बड़ी ब्रेकिंग है छपरा से, राजीव प्रताप रूड़ी और चंद्रिका राय में बात हो चुकी है। राजीव प्रताप रूड़ी ने उनको आमंत्रित कर दिया है। कल जनता यूनाइटेड की तरफ से राजीव प्रताप रूड़ी के समर्थन में चंद्रिका राय सारण पहुंचेंगे और उनकी मौजूदगी में राजीव प्रताप रूड़ी डीएम कार्यालय जाएंगे, वहां नामांकन करेंगे। आगे की खबरों के लिए कंट्री इनसाइड पर बने रहिए।